नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय टेरेस गार्डन में। दोस्तों, ठंड बढ़ चुकी है, सर्दी का आगाज़ हो चुका है और सर्दी जब बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा मरीज़ जो होते हैं वो अस्थमा के बढ़ते हैं। अस्थमा जो है एक ऐसी बीमारी है जो सर्दियों में ठंड में अधिक परेशानी करती है। विंटर का सीज़न आता जाता है, अस्थमा के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। थोड़ा सा व्यू आपने मेरे टेरेस का देखा, ये आप देखिए, ऑरेंजेस जो है भरे हुए हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो शेयर करूँगा वो करूँगा अस्थमा के प्लांट के बारे में, अस्थमा की जड़ी बूटी के बारे में। ये देखिए, ये प्लांट है अस्थमा का, जिसे टाइलोफोरा इंडिका या टाइलोफोरा अस्थमेटिका भी कहा जाता है। हिंदी में इसको हम दम बेल बोलते हैं, दमा बेल बोलते हैं या अस्थमा की बेल बोलते हैं। ये मेरे पास देखिए यहाँ पर बकेट में लगा हुआ है। कैसा भी रोग हो अस्थमा का, सांस की बीमारी हो, चलने में दिक्कत हो जाती है, कफ बहुत बनता है जिसे बलगम कहते हैं, ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो मरीज़ होता है वो बेड पर बैठे बैठे ही पूरी रात निकाल देता है, क्योंकि लेटते समय उसको बहुत अधिक परेशानी होती है। तो सर्दियों में इसका सेवन किया जाता है। ये एक बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी है, आसानी से ये मिलती नहीं है। ये देखिए, ये पत्ते जो हैं मैच्योर हो चुके हैं, जो अस्थमा के लिए उपयोगी हैं। जो कच्चे कच्चे पत्ते होते हैं वो इतने उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन अब जैसे ये पीला पड़ गया है, ये टूट जाएगा, हल्का सा छुआ ये गिर गया, तो ये जो है, लेकिन सारे पत्ते इसमें उपयोगी हैं। एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये आयुर्वेदिक विकास पत्रिका है अक्टूबर 1999 की। ये जो है इसमें अस्थमा निदान विशेषांक है, क्या करें तब अस्थमा सताए जब, ये इस पूरी मैगज़ीन का टाइटल है। इस मैगज़ीन में पूरा दिया हुआ है और इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक ये दिखा देता हूँ कि पत्तियों से उपचार। ये जो है टाइलोफोरा अस्थमेटिका, ये देखिए, मेरे फादर का नाम है MD ठक्कर, ये जयपुर निवासी हैं। MD ठक्कर पत्तियां खिलाकर अस्थमा का उपचार करते हैं। सिर्फ पत्ती खानी होती है और रोगी ठीक हो जाते हैं। तो ये इस मैगज़ीन में आया हुआ है और न्यूज़पेपर्स में भी कई बार ये आ चुका है इस अस्थमा के बारे में, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो इसका इलाज किया करते थे और बिल्कुल फ्री उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। बहुत लोग आते थे हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से, जगह जगह से अस्थमा के मरीज़ आते रहते थे। तो ये हमेशा से मेरे पास रहा है प्लांट, मैं भी इसी तरह से ट्रीटमेंट करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका पैसा नहीं लिया जाता, एक पैसा भी किसी से नहीं लिया जाता, फीस के नाम पर, दवा के नाम पर कुछ भी नहीं लिया जाता। तो ये जो है आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं, खांसी में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सर्दियों की जो खांसी होती है आसानी से जाती नहीं है, अस्थमा का मरीज खांसता रहता है, तो इस पत्ते के सेवन से जो कफ होता है, बलगम होता है, वो पिघल के निकल जाता है। तो ये जो है इतनी कारगर जड़ी बूटी, आयुर्वेद का उपचार, जड़ी बूटियां हैं ये सारी हमारी।
जो ये प्लांट है आसानी से मिलता नहीं है। आपको किसी को भी इसकी आवश्यकता हो, जो इसके मरीज़ हो, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जयपुर शहर में, जो राजस्थान की कैपिटल है, पिंक सिटी जयपुर कहलाता है, वहाँ से आप उससे संपर्क कर सकते हैं और आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना सुंदर ये प्लांट है। हाँ, एक ज़रूर मैं इसमें आपसे कहूँगा कि आपको मैं ये प्लांट नहीं दे सकता, क्योंकि रेयर प्लांट है, मिलता नहीं है। सिर्फ़ आप इसके पत्तों का उपयोग कीजिए। थोड़ा सा प्रिकॉशंस अस्थमा के मरीज़ों को रखना चाहिए कि एक तो सर्दी से बचें, सिर ढक कर रखें, हाथ जो बाहें होती हैं वो भी आप फुल स्लीव्स का पहनें, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। और ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, ठंडा पानी ना पिए, फ्रिज की चीज़ें तो आप बिल्कुल भी उपयोग में ना लाएं। अब रात का भोजन होता है, फ्रिज में रख दिया, और सुबह आपने अगर यूज़ कर लिया तो फिर आपका अस्थमा ठीक नहीं होगा। इसी तरह से एक सबसे बड़ा इसका प्रिकॉशंस जो होते हैं वो बीड़ी सिगरेट और शराब का होता है। जो लोग मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, मैं उनसे सबसे पहले यही कहता हूँ कि अपनी बीड़ी सिगरेट और शराब का सेवन बंद करें, तभी ये जो है फ़ायदा करती है ये जड़ी बूटी, क्योंकि ये जड़ी बूटी नेचुरल है, प्राकृतिक है। और आप इस तरह से इसका अगर शराब पीते रहेंगे तो आपका ये कोई फ़ायदा नहीं करेगी। तो इस तरह से आप ये जो है थोड़ा सर्दियों से बचें, और इस तरह के जो सेवन आप करते हैं वो ना करें, बीड़ी सिगरेट और शराब का। आपने देखा होगा गांव में बीड़ी बहुत अधिक पी जाती है, तो वहाँ मरीज भी अस्थमा के बहुत मिलते हैं। उनका दमा इतना बढ़ जाता है सर्दियों में, हालत ख़राब हो जाती है और उनका दम इसी से निकल जाता है। इसका नाम दमा बेल इसीलिए है कि अस्थमा जो होता है वो दम निकाल देता है। लेकिन ये जड़ी बूटी इतनी अच्छी है कि बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। हो सकता है बहुत लोग इस पे विश्वास ना करें, क्योंकि हम फ्री में दे रहे हैं। अगर इसी के हम पैसे लेना शुरू कर देंगे, मोटी मोटी फीस लेना शुरू कर देंगे, तो लोग सोचेंगे कि हाँ ये कोई बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। फ्री में देते हैं तो कोई इस पे विश्वास नहीं करता। लेकिन होता क्या है कि जब आदमी एलोपैथी की दवाइयाँ ले लेके परेशान हो जाता है, खा खा के परेशान हो जाता है, महंगी दवाइयाँ ले लेके परेशान हो जाता है, और फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, तो बस फिर वो जो है लौट के फिर इस पे आता है कि चलो अब ये उपयोग किया जाए, इसका यूज़ किया जाए या ट्राई किया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि यही एक दमा का इलाज है। आप इसको सर्च करेंगे टाइलोफोरा इंडिका, तो आपको गूगल पे इसका पूरे प्लांट की जानकारी आपको मिल जाएगी कि कितना उपयोगी ये प्लांट है। ये सुनी सुनाई कही कहाई कोई कहानी नहीं है इस प्लांट के बारे में। बॉटेनिकल प्लांट है ये कोई इस तरह का कोई जहरीला वो भी नहीं है प्लांट ही है। इसको आसानी से खा सकते हैं, डायरेक्ट इसका सेवन किया जाता है सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ। चलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय टेरेस गार्डन। मिलते हैं इसी तरह के उपयोगी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।